हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। तो आज हम करेले का एक सब्जी के रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब बिल्कुल फ्री है। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें श्रीज कॉर्नर वाली एक पिक बना के रखे, उसमें टच करेंगे तो आप होम वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड किया वो सब उसी में अवेलेबल होंगे। और प्लेलिस्ट में एक ही तरह का वीडियोज़ पूरा लिस्टेड किया है मैंने, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम करेले का सब्जी कैसे बनते हैं। सब्जी नहीं, यह फ्राई है। तो आज करेला फ्राई करने के लिए मैंने 3 करेले लिया है। देखिए, करेले का बहुत ही ज़्यादा गुण वाली एक सब्जी है। तो इस ये बच्चे वगैरह खाते नहीं, कोई कोई बच्चे को इसके कड़वापन अच्छा नहीं लगते और खाते नहीं, तो उनके लिए इसी तरह बनाकर दे दीजिएगा। ये मैंने खाली करेला को काट के बनाया है। अगर आप चाहे तो इसमें बेसन में डुबा के भी बना सकते हैं, वो और स्वादिष्ट बनेंगे। वो मैं बाद में एक वीडियो में आपको दिखा देंगे, हम ऐसे भी बनाते हैं। और आइए देखते हैं पहले क्या करते हैं। इसको ऐसे बारीक छोटी छोटी एक ही साइज़ जैसा काट लीजिए। अगर थोड़ा सा भी बड़े छोटे हो गए तो भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सब एक ही जैसा बनने के लिए, ताकि हमको फ्राई करके निकालने में बहुत ही आसान हो जाए और हमारी करेला अच्छे से बिना जले निकले। तो आइए देखते कैसे काटते हैं। आप इसी तरह काट लीजिए, हाथ नहीं कटना चाहिए, अच्छे से काट कर बना लीजिए और एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बन जाएंगे लास्ट में, देख लीजिए। अब मैंने एक करेले काट लिए हैं, उसको हम मग के पानी में डालेंगे। मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें नमक डाले हैं और नमक अच्छे से मिला लीजिए और ये करेला उसमें डाल लीजिए। और अभी मैं बाकी की करेला को भी इसी तरह काट के उसी में डालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कर
तो मैंने पूरा करेले को काट लिए और नमक के पानी में डाल दिया और तुरंत ही हम बना सकते हैं। धूप में रखना है, ना ही छन्नी में निकाल के रखना है। उसको मैंने यूं ही निकाल के एक बर्तन में डाल लिया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड किया। उसको सीधा ही हम एक पैन में ऑयल गरम करके डीप फ्राई करके निकाल सकते हैं। ये सॉफ्ट नहीं होंगे, अच्छे क्रिस्पी, और जब हमें चाहे तब हम नमक और हल्दी जो भी डालकर खा सकते हैं। और मैंने नमक के पानी में डाले तो उसके अंदर तक थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाएंगे। सॉरी। तो ऐसे ही हम फ्राई करते हैं। गरम तेल है, उसमें से साइड साइड से डाल लीजिए, नहीं तो हाथ में वो तेल का आ जाएंगे, तो आप ध्यान से डालिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो एक साइड अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने दो, हम इसको पलटा देंगे। एक एक कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। हमारे पास थोड़ी सी टाइम है तो अच्छे से हम इसको बना के निकाल सकते हैं और 2-3 दिन के लिए हम स्टोर भी आराम से कर सकते हैं। हफ्ते भर 2 हफ्ते तक ही आराम से बैठ जाते, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसको ऊपर से कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है। जब चाहे हम उसको जो मसाला ऐड करके खाना चाहे वही ऐड करके खा सकते हैं। मैं तो ऐसे बनाकर रख लेती हूँ, जब चाहे तब निकाल के खा सकते हैं। और हम तुरंत बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम या मसाला कुछ भी नहीं लगते हैं। और कोई प्याज या लहसुन कुछ भी डालेंगे फिर वो ख़राब होने का थोड़ा चांसेस रहता है। ये तो डीप फ्राई करके तुरंत निकाल लेते हैं और ठंडा करके हम किसी के अंदर भर के रख सकते हैं। और आपको अच्छे से और रखना है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए मेरा करेला बनके तैयार हुआ है। फर्स्ट करेला मैंने निकाले हैं वही है, इसके साथ मैं हल्दी और नमक ऐड करके खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में भी, ऐसे बन जाते हैं हमारे करेला। तो आप ज़रूर इस किश्यू में से जो भी तेल बचे हैं उसमें वो उसमें आ जाता है, और बहुत ही ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन बाय बाय।